श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 38 राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुप्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्रह्मा, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदना, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के और असपुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष सिंह, छोटी रानी सुमति ने तूनबी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदना, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमा। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। ये दृढ़ निश्चय करके वे वेदव्यता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए।